दोस्तों, इन दिनों चाइना के द्वारा लगातार अग्रेसन को देखते हुए भारत के बॉर्डर को सिक्योर रखने के चलते इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। लेकिन अब का जरूरत फाइटर जेट आयात से वो पूरा नहीं होने वाला, जिसमें भारत को इंडिजिनसली फाइटर जेट बनाना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा इंजिन, जिसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं जो बेहद ही कम टॉलरेंस के साथ बनाए जाते हैं। और वही चाइना, जिसे हम कॉपी मास्टर भी कहते हैं, वो भी आज तक जेट इंजिन के टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाया है, जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने के बाद भी अपने इंजिन के चलते पूरी तरह से रशिया पे डिपेंडेंट है। वहीं भारत के कावेरी इंजन फेल होने के पीछे सबसे पहला कारण है, ये इतना थ्रस्ट ही जनरेट नहीं कर पाया कि फाइटर जेट एक स्टेबल उड़ान भर सके। और यह इंजन इतना वजनी हो चुका था, जिसके कारण एयरक्राफ्ट को पर्याप्त गति नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि कावेरी इंजन को 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने के साथ 1100 kg तक वजनी होना था, जबकि ये बनने के बाद ऐसा नहीं हुआ। कावेरी इंजन ज्यादा से ज्यादा 70 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट जनरेट कर पाता था, और वजन 1100 kg से बढ़कर 1235 kg तक हो चुका था।